अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.8 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। बेसिकली सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा है द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सबसे पहले हम डिजिट की बात कर लेते हैं। लेट हम करते हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एक्स एंड डिजिट एट 10 प्लेस इज वाई। रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है, नंबर की फॉर्मेशन क्या होती है, यूनिट प्लस 10 इनटू 10 प्लेस। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 10 y अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स इज 65। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो हमारे पास नंबर है वो इट्स डिजिट के सम के 9 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, x plus 10y is equal to 9 into x plus y, इसे 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो y is equal to 8x आ जाएगा। इसे को ये नंबर 2 का नाम दे दिया। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल 1, y is equal to 8x है, इसकी इक्वल 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 65x² = 65x = 1, x is equal to 1 आ जाएगा। हम नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद पुट इन इक्वल 2, y is equal to 8 आ जाएगा, आपके पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, x plus 10 y is equal to 1 plus 10 into 8, 80 हो जाएगा, 81 ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 7 है, the sum of the coordinates of point is 9 and sum of their square is 45, find the coordinate। coordinate का हमें पता है कि जो कोई भी पॉइंट जहाँ पे हम जिसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं x एंड y उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमने रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ले लिए। बाय फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज 9, x plus y is equal to 9। सेकंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर x square plus y square is equal to 45। फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 9 minus y, जिसे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ जाएगा तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 हो जाएगा। यहां पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 6 इनटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। अब देखिए y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x 3 आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो x हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब इसके जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू 3 है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे उसके बाद y की वैल्यू, या तो 3 और 6 होगा या फिर 6 और 3 होगा। दीज आर द रिक्वायर्ड